सचिन और सीमा हैदर की प्रेम कहानी भले ही चर्चा का विषय है, लेकिन यूपी एटीएस को इस पर जरा भी यकीन नहीं है। सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के शक में यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। कई पासपोर्ट मिलने के मामले में सीमा हैदर अपने ही बयानों में उलझ गई है। प्यार में सरहद पार कर जाने वाली सीमा हैदर का मामला अब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के पास पहुँच गया है। यूपी एटीएस सीमा हैदर केस की जाँच करेगी। जांच में उसके पास एक से अधिक पासपोर्ट होने से तमाम पहलुओं की जांच होगी। बता दें कि सीमा हैदर के आईएसआई जासूस होने का मामला लगातार गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीमा हैदर के मोबाइल कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा है। इसके अलावा उसके पाकिस्तानी संपर्कों की भी जाँच की जा रही है। सीमा हैदर की ओर से वीजा नियमों में कड़ाई के कारण वीजा अप्लाई नहीं करने का दावा किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान से दुबई फिर नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा तक का सफर तय करने वाली सीमा हैदर के मसले में कई चीजों का खुलासा होना बाकी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर आए बयानों के बाद पुलिस को उसके बयानों में विरोधाभास दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि अचानक नोएडा पुलिस रघुपुरा में सचिन के घर पहुंच गई। पुलिस सचिन और सीमा हैदर के घर पहुंची तो मोहल्ले के लोग भी हैरान थे। पहले पुलिस के कहने के बाद भी सचिन मीणा के परिवार ने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस को बाहर इंतजार करना पड़ा। जब दरवाजा खुला तो पुलिस घर के अंदर गई। यहां पुलिस ने तकरीबन एक घंटे सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की। बता दें कि नोएडा पुलिस सीमा के एक एक बयान को लेकर गंभीर है। ये मामला भारत और पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ही नहीं सुरक्षा एजेंसियां इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। इसी वजह से ग्रेटर नोएडा पुलिस रघुपुरा पहुंची और एक बार फिर सीमा हैदर की गिरफ्तारी के वक्त दिए गए बयानों की जाँच की। परिवार ने पुलिस के वापस जाते ही दरवाजा बंद कर लिया ताकि सीमा हैदर मीडिया के सामने आ पाए। बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की पबजी गेम के दौरान ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा निवासी सचिन मीणा से मुलाकात हुई थी। मोबाइल गेम से मामला बढ़ते बढ़ते प्रेम संबंधों तक पहुंच गया। दोनों की नेपाल में मुलाकात हुई। इसके बाद सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।